कहते हैं कि वक्त सबका फैसला करता है, राजा हो या रंक। अब इस बात का मतलब राजनीति से जोड़ करके आप देख सकते हैं। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही नीतीश कुमार की सरकार गिरने की बातें विपक्ष कहता रहा है, मीडिया चैनल्स भी कहते रहे हैं। हमने भी कहा है कि जिस महीन रास्ते पर खड़ी है और जिस पतले रास्ते पर ये बहुमत टिका हुआ है, उसका गिर जाना कोई असंभव बात नहीं हो पाएगा। हालांकि नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार कहा जाता है कि इसके मास्टर माने जाते हैं, कैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता में काबिज रहा जाता है, नीतीश कुमार बाखूबी जानते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथ में लगाम भी दे दिया था। लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के बातें बदलनी शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया है और कमज़ोर नीतीश कुमार बड़ी घातक हो जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला था 2013 में और फिर ऐसा ही अब देखने को मिला जब नीतीश कुमार एक बार फिर से 2017 में पाला बदले थे, क्योंकि नीतीश कुमार को तब लगने लगा था कि वो कमज़ोर हो गए हैं। अब स्थिति यह है कि इन सारी बातों को लेकर के आरजेडी के तरफ से ये दावा किया गया था कि ये सरकार 3 महीने से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, 3 महीने के अंदर में सरकार गिर जाएगी। इस बीच में जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिल रही है कि बिहार के नेताओं का जुटान और जमावड़ा लालू प्रसाद के यहाँ दिल्ली में होने लगा है। पिछले 2 दिनों में लगभग बहुत सारे नेता जो आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, और इतना ही नहीं महागठबंधन के भी बहुत सारे नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है दिल्ली में। इन सब के पीछे कहा जा रहा है कि कोई बड़ी रणनीति है। इस रणनीति का हिस्सा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार भी हों। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में धीरे धीरे लेकिन भीतर ही भीतर अंडर करेंट जैसा कुछ नज़र आने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी जब जब हुई है, हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया भी था कि जब जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं तो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लिए हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी। नीतीश कुमार ने जिस स्थिति और परिस्थिति में 2013 में फैसला लिया था, एक बार फिर उसी मुहाने पर आकर के खड़े हैं। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा अलग थलग कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के करीबियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह दबाव तो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद ही बढ़ने लगा था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में उनके विरोधियों का जमावड़ा हो गया तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगी। उससे पहले नीतीश कुमार कोई ना कोई फैसला ऐसा करना चाहते हैं जो उन्हें आने वाले राजनीति में स्थापित रखे। अब इसके लिए लालू प्रसाद से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो फिर से एक बार नीतीश कुमार को अपने साथ रख लें या अपने साथ लेकर के आगे बढ़ें। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बहुत कई बार ऐसा हुआ है जब एक दूसरे से गुस्से में भी हुए हैं और साथ भी आए हैं। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि चुपचाप नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को लीड कर रही है, उसके साथ साथ और कई नेताओं का दिल्ली में जुटान लालू प्रसाद के फैसले का इंतज़ार हो रहा है। लालू प्रसाद ने कहा था कि वो जल्दी ही पटना आ रहे हैं, पटना वासियों से और बिहार वासियों से उन्होंने वादा भी किया था। अब क्या उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कहा जा रहा था कि जदयू में बड़ी टूट होगी, क्या वो होने वाला है? क्योंकि ललन सिंह भी चुप हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होने की 100% गारंटी मानी जा रही थी। ऐसी स्थिति में एक खास वर्ग भी नाराज है और नीतीश कुमार इस नाराज़गी को बहुत लंबे समय तक ले करके ढोना नहीं चाहेंगे। क्या करेंगे नीतीश कुमार ये तो अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद के यहाँ बैठकों का दौर शुरू होना कुछ ना कुछ बिहार के लिए राजनीतिक संकेत तो दे ही रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जैसे ही इस पर अपडेट आता है हम आपको फिर अवगत कराते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।